तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हमारा फोर्थ यूनिट, और थ्योरी यूनिट्स थे वो हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लास्ट में हमारा जो थर्ड यूनिट है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स वो देखेंगे। हमारे फोर्थ यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो आज वो हम शुरू भी करेंगे और वो ख़त्म भी कर देंगे। तो इस यूनिट में क्या है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली उन्हीं सब इंस्ट्रूमेंट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है डिजिटल मल्टीमीटर, उस पर हम बात करते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं DMM। आपको कई जगह पे दिखेगा, आपके MCQ में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि DMM करके। तो DMM मतलब क्या? डिजिटल मल्टीमीटर है। देखो, हमारे जो मीटर्स होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एनालॉग मीटर्स होते हैं। डिजिटल मीटर पर क्या होता है, हमें एक वैल्यू दिख जाती है। जैसे हमारी जो घड़ी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक डिजिटल घड़ी होती है और एक एनालॉग घड़ी होती है। एनालॉग में उसका काटा क्या होता है, वो घूमता रहता है, हम उसे देख के कहते हैं कि अभी 1 बजा है, अभी 12 बजे है, राइट। जो हमारे डिजिटल वॉच होता है या फिर डिजिटल घड़ी कह लीजिए आप, उस पर ऑटोमेटिकली टाइम डिस्प्ले होता है, अभी 12 बजे है, अभी 1 बजे है। हमें एनालॉग में क्या करना पड़ता है, जब भी हमारा जो घड़ी देखते हैं उसका तीनों कांटों को हम देखते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो हमारा जो डिजिटल मीटर होता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इस वजह से डिजिटल का आजकल ज़माना है, जैसे हम कहते हैं सब कुछ डिजिटल है, डिजिटल है। तो इस वजह से हमारे जो वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, ये सब मेजर करने के लिए भी डिजिटल मीटर हमारे पास अवेलेबल है। तो डिजिटल मीटर का हम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं हमारे कंपोनेंट के साथ, और हमें हमारे डिजिटल मीटर पे पता चल जाता है कि उसका वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, ये सब पता चलता है। प्रोब्स को कनेक्ट करना मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको प्रोब्स क्या होता है पता नहीं है, तो हमारे डिजिटल मीटर होता है उसकी दो उसकी प्रोब्स होती है, वायर होती है आप कह सकते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, हमारे हमारे जो भी सप्लाई है उससे कनेक्ट कर देते हैं, उस पर लगा देते हैं, या फिर हमारे पास सपोज रेजिस्टर है तो उस कंपोनेंट के दोनों जो टर्मिनल्स है उस पर लगा देते हैं, और उससे हमें उसकी जो भी वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है, इस पर डिस्प्ले हो जाती है, डिजिटल मीटर पे डिस्प्ले हो जाती है। अगर हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो उस वोल्टेज के रेंज सेलेक्ट करते हैं, सिंपली प्रोब्स को कनेक्ट कर देते हैं, और हमें डिजिटल मीटर पे सब कुछ पता चल जाता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट के लिए भी ऐसा ही होता है, हम करंट की रेंज है, करंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो जो भी हमारा एम्पियर रेटिंग है कि सेटिंग कर देते हैं हम वहाँ पे। इसमें भी बहुत सारे एडवांस डिजिटल मीटर अभी मार्केट में अवेलेबल है। हमें इन सब मीटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें जो भी बिग बिग फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जो भी इंडस्ट्रीज होती है, हॉस्पिटल, ये जो भी सेक्टर्स है, ये जो भी सेक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट बिल ज़्यादा आता है, उनका लाइट बिल प्रोडक्शन के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ज़्यादा आता है, राइट। पर उसमें क्या होता है, कभी कभार हमारे ट्रांसमिशन लाइन जनरेशन से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चले जाते हैं, ओके। उसकी वजह से उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर वो अफेक्ट करता है, और उसके कारण उनका लाइट बिल बढ़ जाता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से है, अगर उनका एक रेंज के बाद कुछ हुआ तो उनको पेनल्टी भी बैठता है, तो उनको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। ऐसे समय पर हमें पता होना चाहिए हमारा जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स है सब कुछ है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। इस वजह से जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये यूनिट आपको दिया गया है, और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है वो कैपेबल होता है मेजरिंग बोथ AC एंड DC वोल्टेज। वो डायरेक्ट करंट पे भी वर्क करता है, वो AC करंट पे भी वर्क करता है। जो भी करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टर चाहिए, वो सब हमें फाइंड आउट करने में डिजिटल मल्टीमीटर हेल्प करता है। इसमें हम कौन से प्रकार के मेजरमेंट्स कर सकते हैं, रेजिस्टर का मेजरमेंट कर सकते हैं, AC वोल्टेज का कर सकते हैं,
एसी करंट का भी कर सकते हैं, डीसी करंट का भी कर सकते हैं और डीसी वोल्टेज का भी कर सकते हैं। तो ये अंदर से कैसे होता है, अंदर डिजिटल मल्टीमीटर के क्या होता है, आपको यहाँ पे आपके ही बुक में दी गई मैंने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए समझने में, राइट। सबसे पहले हमें इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम में कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्स्टेंट करंट सोर्स क्या है, हमारे जो भी डिजिटल मल्टीमीटर है उसका इनपुट, कोई इनपुट हो गया, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हमें सिलेक्शन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। हम रेजिस्टर का मेजर कर रहे हैं तो हमें रेजिस्टर की रेंज सेट करनी पड़ती है हमारे मल्टीमीटर पे। अगर हम करंट को देख रहे हैं तो करंट की सेट करनी पड़ती है, वोल्टेज देख रहे हैं तो वोल्टेज की रेंज सेट करनी पड़ती है, ओके। तो ऐसा सब हम सेट करते हैं वहाँ पे। और डिजिटल जो हमारा मल्टीमीटर होता है वो हमने क्या कहा, एसी पे भी वर्क करता है, डीसी पे भी वर्क करता है। तो सपोज मुझे डीसी की कोई वैल्यू चाहिए तो ये क्या होता है, एसी पे भी वर्क करता है और डीसी पे भी वर्क करता है। इसके वजह से हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। आपको दिख रहा है इस ब्लॉक डायग्राम में रेक्टिफायर दिखाया गया है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कन्वर्टर भी यूज किए गए। जैसे कि देखो हमारा इनपुट क्या होता है, हमेशा याद रखो हमारा इनपुट हमेशा करंट होता है। सपोज मुझे वोल्टेज मेजर करना है, मेरा इनपुट तो क्या है, करंट है, पर मुझे क्या मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है। डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर क्या होता है कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है बाप, तो वो क्या करता है, मेरा जो भी इनपुट करंट होता है उसे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद हमें वो वैल्यू डिस्प्ले होती है। पर यहाँ पे भी ये डिस्प्ले की प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले हमें जो भी डिजिटल मीटर के अंदर मिलता है वो एनालॉग के फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, उस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। देखो आपको ब्लॉक डायग्राम में वो भी दिख रहा होगा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक वैल्यू दिखती है जिसके लिए वहाँ पे डीकेयर काउंटर दिया गया है। वहाँ पे क्या होता है, नंबर्स का सब कुछ होता है और उसके बाद जो भी डिजिटल डिस्प्ले होता है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, डिजिटली वो वैल्यूज दिख जाते। हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जैसे डिफेक्ट होता है वैसे ही हमारे वायर में कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारी एनर्जी का लॉस होता है वो, और वो एनर्जी कौन लॉस करता है, हमारा रेजिस्टर वो काम करता है। तो हमारी कोई भी वायर हो, कोई भी चीज़ हो इलेक्ट्रिकल की, तो उसका क्या होता है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। तो देखो हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसके अंदर भी रेजिस्टर लगे होंगे। हमने सब कुछ डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ओके, ये सब हमने देख लिया है। तो आपके लिए आज का मैंने होमवर्क दिया है, हमारे जो भी डिजिटल मल्टीमीटर है उसके स्पेसिफिकेशन को रीड करना है, ओके। वो स्पेसिफिकेशन आपको याद रखने हैं, उसमें कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक रेंज होती है हमारी, जैसे कि मैंने कहा रेजिस्टेंस की, वोल्टेज की, करंट की रेंज होती है, वो एडजस्ट करनी पड़ती है हमारे मल्टीमीटर पे। तो वही सब वहाँ पे दिया है। जो हमारा फंक्शन जनरेटर है उसकी बात कर लेते हैं, वो क्या होता है। तो हमारा फंक्शन जनरेटर किस लिए काम आता है, वो क्या करता है, डिफरेंट वेवफॉर्म्स को जनरेट करता है, ओके। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। तो वेवफॉर्म कौन सी होती है, कॉमन वेवफॉर्म के कुछ नाम याद कर लेते हैं, जैसे कि साइन वेव होती है, सॉटूथ वेवफॉर्म होती है, ट्रायंगुलर वेव होती है, स्क्वायर वेव होती है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती है हमारी, और ऐसी ही वेव्स को वो क्या करता है, जनरेट करने का काम करता है। हमारा ये कौन काम करता है, फंक्शन जनरेटर, ये सब काम करता है। तो हमारा जो भी फंक्शन जनरेटर होता है इसको हम इनपुट क्या देते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसी इनपुट की तरह जाती है और इसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है, वेवफॉर्म्स मिलती है अलग अलग टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, इसके एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिखाया गया है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल दिखाया गया है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को देते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद क्या है, अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स इससे कनेक्टेड है। तो अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स से वो एनर्जी कहाँ पे जाती है, इंटीग्रेटर में जाती है, उसके बाद कंपैरेटर में जाती है। कंपैरेटर क्या करता है, तो ओके दो वोल्टेजेस को कंट्रोल करता है और उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है। और उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट। एम्पलीफाई क्या करता है, ये हमने पिछले
वीडियो में डिस्कस किया था, ये क्या करता है, सिग्नल को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। अगर मेरा सिग्नल अच्छा नहीं है मैं एम्पलीफायर को दे देती हूँ और वो मुझे अच्छा करके दे देता है। तो ऐसे ही एम्पलीफायर वर्क करता है, जो भी सिग्नल होता है वो एम्पलीफायर को दिया जाता है और वो एम्पलीफायर उसे और अच्छा करके हमें आउटपुट देते हैं। तो वहाँ से आउटपुट क्या मिलता है, हमें स्क्वेयर वेवफॉर्म, स्वॉटूथ वेवफॉर्म मिलती है और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, साइनोसाइडल वेवफॉर्म, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स हमें मिलते हैं। जो इंटीग्रेटर होता है उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलता है। जो वोल्टेज कंपैरेटर होता है उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, स्क्वेयर वेव मिलता है। डायोड रेजिस्टेंस नेटवर्क है, वहाँ से हमें आउटपुट क्या मिलता है, साइन वेव मिलता है या फिर ट्रायंगुलर वेव मिलता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी अपर कांस्टेंट करंट सोर्स होता है वहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट करंट दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो भी वोल्टेज होता है टाइम के साथ बढ़ते रहता है। जो लोअर करंट सोर्स है वो क्या करता है, वो सप्लाई करता है अपोजिट करंट टू द इंटीग्रेटर। जो भी इंटीग्रेटर होता है उसे अपोजिट करंट क्या करता है, वो सप्लाई करने का काम करता है। ये क्या होता है, हमारे जो ऑडियो की वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसे भी टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका इनपुट क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी दी जाती है इसके इनपुट में। तो यही है हमारा फंक्शन जनरेटर। तो इसमें इतना कुछ नहीं था, ये काफ़ी सिंपल पॉइंट था। इसमें क्या देखा था हमने, फ्रीक्वेंसी होती है, दो क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं, लोअर अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, लोअर करंट सोर्स। उसके बाद हमारा इंटीग्रेटर होता है, वोल्टेज कंपैरेटर, और हमारा क्या होता है, डायोड रेजिस्टर का नेटवर्क होता है, और उसके बाद एम्पलीफायर होते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जो हमारा DSO होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसमें क्या होती है, अलग अलग वेवफॉर्म डिस्प्ले होती है। हमारे प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। ये क्या है, एक अनरिलायबल स्टोरेज मेथड है इसकी। एनालॉग का स्टोरेज होता है उसे डिजिटल के स्टोरेज के साथ यूज किया जाता है, एनालॉग को डिजिटल के साथ काम कराया जाता है, और उसके वहाँ पे क्या होता है, ये किसके हेल्प से होता है, मेमोरी के हेल्प से होता है। मेमोरी हम जानते हैं सब, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है, राइट। हम जैसे मोबाइल की मेमोरी होती है उसमें हमारा क्या होता है, डाटा सेव होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, वैसे ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी वेवफॉर्म होती है उसे पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद डिजिटलाइज किया जाता है। मतलब वेवफॉर्म पहले स्टोर होती है उसके बाद डिजिटलाइज होके हमें दिखती है, उसके डिस्प्ले होता है एक, उस पर हमें वेवफॉर्म दिख जाती है, ओके। और उसके बाद क्या होती है, वो स्टोर होती है, किसके अंदर स्टोर होती है, डिजिटल मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। आपको समझ में आया ये प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले वेवफॉर्म स्टोर होती है, ओके, उसके बाद वो डिजिटलाइज होती है, और उसके बाद वो वापस किस में स्टोर होती है, डिजिटल मेमोरी में स्टोर हो जाती है। देखो इसके लिए स्मॉल पावर सप्लाई होता है, और इसके लिए बैटरी भी स्मॉल होती है, और हमारी जो इमेज होती है वो क्या होती है, इनडिफिनेटली हमें डिस्प्ले होती है। DSO का यूज क्यों किया जाता है, जो भी मेमोरी होती है उसमें क्या होती है, ये वेवफॉर्म स्टोर होती है, तो वो वेवफॉर्म्स हम क्या करते हैं, ले लेते हैं और उसे कंप्यूटर पे एनालाइज करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका इनपुट जा रहा है, उसके बाद वो क्या होता है, आगे जाके वो एम्पलीफायर को जा रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है सिग्नल, और उसके बाद क्या होता है, सैम्पल और होल्ड होता है वहाँ पे। सैम्पल और होल्ड, ये बहुत बड़ा और बहुत अलग कंसेप्ट है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हमें ये लास्ट ईयर में था। जो भी सैम्पल और होल्ड होता है वहाँ से वो सिग्नल क्या करता है, वो आगे जाता है, ओके, और वो किससे जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाता है, और उसके बाद मेमोरी में जाता है, और वहाँ पे ट्रिगर सर्किट, लॉजिक गेट्स, ये सब भी होता है, और कैथोड रे ट्यूब भी होती है इसके अंदर, ओके। ब्लॉक डायग्राम देख के इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, इसकी एक मेमोरी होती है। ये क्या है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है। तो इसके अंदर पहले तो एनालॉग सिग्नल होता होगा, और उसके बाद उसे डिजिटल में कन्वर्ट किया होगा, तो ये क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हुआ। और एक चीज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, कंट्रोल ऑफ लॉजिक है। हम लॉजिक की बात करेंगे आगे जाके, तो वो जो भी लॉजिक्स होते हैं उसका यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे एम्पलीफायर भी होता है, जो हमारे सिग्नल को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। और कैथोड रे ट्यूब भी होती है, जिसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। कैथोड रे ट्यूब को आपने इससे पहले पढ़ा होगा, कैथोड रे ट्यूब होती है। यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है, अगर आपको डीप में जाना है तो ये अभी टाइम नहीं है,
इसे डीप में स्टडी करने का, क्योंकि ये कंसेप्ट पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको कैथोड रे ट्यूब पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपको क्वेश्चन किस पे आने वाले हैं, DSO पे आने वाले हैं। तो आपको जानना है कैथोड रे के बारे में, ट्यूब के बारे में, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है ये तो आप जानते ही है, आपको 11th 12th में हो चुका है पहले ही। ये जो DSO होता है इसका एक सैम्पलिंग रेट होता है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं आपको जो हमें लास्ट ईयर में थे, तो ये आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो आप क्या याद रखें, सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, ये कितनी जल्दी काम कर सकता है, ऐसे ही याद रखें आप कि जो भी मेन पॉइंट्स है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये क्या होता है, याद रखिए इसका जो सैम्पलिंग रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, 1 लाख होता है पर सेकंड का। तो ये क्या होता है, ये DSO का एडवांटेज क्या होता है, ये काफ़ी इजी होता है ऑपरेट करने में, इसकी कैपेबिलिटी अच्छी होती है, स्टोरेज टाइम इन्फाइनाइट होता है, ये प्लॉट होता है XY पे प्लॉट होता है, जैसे हम XY पे हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वैसे इसमें होता है, BH कर्व PV कर्व ऐसे सब कुछ होता है, आपको पता नहीं है तब भी आप ऐसे याद रखो, MCQ में पूछा जा सकता है इसके लिए। वेवफॉर्म का मिनिमम पॉइंट क्या है, मैक्सिमम क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, ये सब हमें पता चलता है। और ये जो होता है इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे एनालाइज भी किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है DSO, देखो ये इसकी वेवफॉर्म जो होती है हमारी करंट वोल्टेज की, वो देखने के लिए यूज़ किया जाता है, वोल्टेज करंट को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखो वहाँ पे जो भी वेवफॉर्म आती है उस पे से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो इस वजह से वैसे इसका यूज़ किया जाता है, RMS एवरेज वैल्यू, जो भी हमारा क्रेस्ट फैक्टर होता है, ड्यूटी साइकिल होती है, वो सब हमें इससे पता चल सकता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, नॉन पीरियडिक वेवफॉर्म, ये सब हमें इस पे मिल जाता है, ओके। यहाँ पे फूरियर फॉर्म, उसका भी वेवफॉर्म से स्टडी किया जा सकता है, उस ट्रांसफॉर्म का, इवन इंडक्टर कैपेसिटर इम्पीडेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। हमें जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है डायोड्स की, जैसे हमने देखा था फर्स्ट यूनिट में ट्रांजिस्टर, सेकंड यूनिट में, ये सब हमने देखा था, यहाँ से DSO से ये सब निकाल सकते हैं। ये सब इसके एप्लीकेशन है, आप याद रखिए, मैंने जो एप्लीकेशन बोले है वो लिख लीजिए। दूसरा बात करते हैं पावरस्कोप पे, तो पावरस्कोप क्या होता है, वो काफ़ी एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला, जिसकी अच्छी सी कैपेबिलिटी हो, जो अच्छे से ऑपरेट करता हो, ऐसा एक डिवाइस है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पावर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा पावरस्कोप होता है उससे हम वेरियस बहुत सारे कंट्रोल्स को अचीव कर सकते, हमारे जो भी पैनल्स होते हैं उस पर बहुत सारे कंट्रोल्स को अचीव किया जा सकता है। ये अलग अलग एप्लीकेशंस पे वर्क करता है, पावर कंट्रोल फील्ड पे वर्क करता है, हाई वोल्टेज एरियाज होते हैं वहाँ पे वर्क करता है। और ये क्या करता है, बेसिकली कंट्रोलिंग का काम करता है पावरस्कोप, ये ऑपरेट अच्छे से हो सकता है, और सेफ्टी के लिए ये इक्विपमेंट यूज किया जा सकता है। कि आप ब्लॉक डायग्राम देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें Y1 Y2 क्या है इनपुट से, वो जा रहे हैं आगे एम्यूनेटर से एम्पलीफायर में जाते हैं, ओके। उसके बाद वो स्विचिंग एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस होती है, आगे जाके क्या होता है चॉप ऑसिलेटर करके चीज होती है, जैसे मैंने कहा चॉपिंग, जैसे हम भिंडी को कट कर देते हैं, कट करना, ओके। तो इसमें से भी जो भी हमें अनवांटेड चीज़ें होती है वो कट की जाती हैं। आगे सर्किट में क्या जाता है, हाई वोल्टेज रेगुलेटर CRT सर्किट को जाता है, ओके। जो हमारा पावर स्कोप होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे जो UPS होता है उसे टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम्स होती है उसे टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस जो होता है हमने सुना है उसे टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मोटर्स ट्रांसफॉर्मर ऐसे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मेनली। और ये क्या करता है, एक टाइप ऑफ करेक्शन करता है, ओके। हमें क्या करता है, करेक्शन करके चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर। पावरस्कोप क्या करता है, जो भी हमारी एनर्जी होती है उसके जो भी कंजम्पशन होता है उसको मैप करता है। आप कंपेयर करें इस एग्जाम्पल से कि हमारे घर में जो भी एनर्जी और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसे एनालाइज करना, ओके, उसका कंजम्पशन को मैप करना, तो उसके लिए कैसा इक्विपमेंट लगता है, पावरस्कोप जैसा ही इक्विपमेंट लगता है। पावरस्कोप क्या करता है, अलग जगह पे इंडस्ट्रीज में वहाँ पे यूज़ किया जाता है पावर को एनालाइज करने के लिए। ये क्या करता है, इसके वजह से हमारी जो भी एनर्जी होती है उसका जो कंजम्पशन होता है
वो भी लेस हो सकता है। उसकी वजह से पावर स्कोप को काफी इम्पोर्टेंस दी गई है। बहुत सारी एप्लीकेशन में ये यूज किया जाता है एनर्जी के कंजम्पशन को कम करने के लिए। ओके, इवन ये हमारे कंप्यूटर की जो सिस्टम होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, मोबाइल का सिस्टम के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये आपको बताने के लिए भी मुझे डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो ये अभी टाइम नहीं है इतना हमारे पास कि हम इसे इतने डीप में स्टडी करें। आप समझ सकते हैं सीआरटी क्या होता है, मुझे हर कंसेप्ट हर पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि वाई शिफ्ट क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, मुझे हर छोटे में का छोटा कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ही ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो स्वैप क्या होता है, ये इवन बहुत बड़े कंसेप्ट से, इस वजह से आप क्या करें जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है उतनी ही याद रखने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं जो है हमारा एसी टू डीसी पावर सप्लाई। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट सेम जैसे हमारे मोबाइल चार्जर में होता है, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे मोबाइल चार्जर में कैसा होता है। हम मोबाइल चार्जर से ही कंपेयर करेंगे और इसे सीखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मर दिया है। ओके, ट्रांसफॉर्मर को इनपुट किया जा रहा है साइनोसाइडल वेव। साइन वेव दिख रही है आपको प्राइमरी करके, वो साइन वेव क्या जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर को जाएंगे। उसके बाद वो क्या होगा, उसका वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाएगा। ओके, कम किया जाएगा और वो क्या जाएगा, रेक्टिफायर सर्किट को जाएगा। ओके, रेक्टिफायर सर्किट का क्या होता है, रेक्टिफायर का आउटपुट क्या मिलता है, हमेशा हमें पल्सेटिंग डीसी मिलता है। इस पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमारा डिवाइस उसे वो स्टेप डाउन कर देगा और वो क्या रहेगा, एसी ही रहेगा पर कम वोल्टेज पे रहेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, फिर हम रेक्टिफाई सर्किट को उसे भेजेंगे। रेक्टिफाई सर्किट क्या करेगा, रेक्टिफाई सर्किट को जो भी एसी इनपुट जाएगा उसे वो क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। देखो हमें दिख रहा है, पहले हमें वेवफॉर्म कैसे मिलती थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलती थी, निगेटिव हाफ साइकिल में मिलती थी। अभी हमें कैसी वेवफॉर्म मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमें वेवफॉर्म दिख रही है। देखो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वेवफॉर्म दिख रही है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसे फिल्टर करते हैं। डीसी मतलब कॉन्स्टेंट, वहाँ पे कोई वोल्टेज का चेंज नहीं। पर यहाँ पे देखो हमारे जो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है पल्सेटिंग डीसी, वो कैसे हो रहा है, जीरो से होके कुछ मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है, वापस वो कहाँ पे आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, उसके बाद वापस वो मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है, जीरो पे आ रहा है। ऐसे हमारे पल्सेटिंग वेवफॉर्म दिख रही है हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में, राइट। पर ऐसा नहीं चाहिए हमें, ऐसा डीसी वोल्टेज हम किसी इक्विपमेंट को नहीं दे सकते, तो ये पल्सेटिंग डीसी नहीं दे सकते। इसकी वजह से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। ये क्या है, इम्प्योर डीसी वोल्टेज है आप कह सकते हैं। कि जैसे हमारे प्योर हीट में क्या करते हैं, हम पानी देते हैं और प्योर एकदम अच्छा वाला पानी जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वैसा प्योर पानी हम उससे निकालते हैं, राइट, हमें मिलता है। पर यहाँ पे भी क्या होता है, वैसे ही होता है। सबसे पहले जब भी रेक्टिफायर को जो भी आउटपुट होता है वो क्या होता है, इम्प्योर डीसी होता है। ओके, अच्छा पानी नहीं होता आप कह सकते, इम्प्योर डीसी होता है। वो इम्प्योर डीसी को हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट को देते हैं। वो क्या करता है, उसे अच्छा करने की कोशिश करता है, पर वो प्योर डीसी नहीं बनता है, वो प्योर डीसी नहीं बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रेगुलेटर सर्किट को उसका आउटपुट देते हैं। तो उसे क्या करते थे, रेगुलेटर सर्किट को देते थे। रेगुलेटर सर्किट क्या करता है, उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एकदम कॉन्स्टेंट डीसी आपको दिख रहा है, राइट, एक लाइन स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, उसमें कोई चेंज है क्या उसके वोल्टेज में, नहीं। यही हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट डीसी, मतलब हमें प्योर डीसी मिल गया है कि ऐसे हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ। ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर अभी इसी सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी है, और अभी यही कंसेप्ट आपको भी है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर करके होता है, हमारा एक स्पेशल टाइप होता है ये ट्रांसफॉर्मर का। इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, कॉमन होती है। एक ही बाइंडिंग होती है, उसकी एक साइड पूरी प्राइमरी समझ ली जाती है और दूसरी साइड से देखें हम, अगर लेफ्ट साइड से देखें तो उसे प्राइमरी कंसीडर करते हैं, राइट साइड से देखो तो सेकेंडरी कंसीडर करते हैं। हम उसमें करते हैं, इसमें भी स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। जो हमारी ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टू वाइंडिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसके भी क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आता है। ये क्या आता है, के इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन, I1 डिवाइडेड बाई I2 और विच इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। तो यहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर की क्यों बात कर रहे हैं, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारे लिए कुछ कंडीशन में अच्छा होता है, हम उसे यूज करते हैं।
इवन हमारे जो भी प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं हमारे कॉलेज में, उसमें ज़्यादातर ऑटो ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें कॉपर लेस रिक्वायर होता है, इफिशियंसी हायर होती है, इसकी साइज छोटी होती है और कॉस्ट भी कम होती है, इसमें लॉसेस भी कम होते हैं और रेगुलेशन वगैरह भी अच्छा होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसका जो इम्पीडेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेपरेशन एक पॉइंट होता है, वो क्या होता है काफ़ी रिस्की होता है, ये आपको पता नहीं है पर आप इसे याद रख सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इस पर चलाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, और इसे फर्नेस ट्रांसफॉर्मर जैसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के आप डायग्राम को देख सकते हैं यहाँ पे। जब भी हम स्टेप डाउन की बात करेंगे तो हमारी प्राइमरी साइड बड़ी होगी, मतलब प्राइमरी साइड को हम ज़्यादा वाइंडिंग दिखाएंगे और सेकेंडरी साइड जो कनेक्ट होंगे वो बीच में से कनेक्ट होंगे छोटी होगी। लेफ्ट साइड को क्या दिख रहा है, बड़ी साइड दिख रही है, वो हमारी है प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड क्या होगी, छोटी होगी। स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी की वाइंडिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा वोल्टेज होता है प्राइमरी साइड में, और स्टेप डाउन करते हैं उसे हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कम करते हैं, राइट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो प्राइमरी को क्या आता है, ज़्यादा वाइंडिंग आती है, सेकेंडरी को कम आती है। इस वजह से इसकी क्या होती है, कॉमन एक ही वाइंडिंग होती है दोनों के बीच में, और उसको ही प्राइमरी सेकेंडरी करके यूज़ किया जाता है। जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग्स क्या होगी, कम होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग कम है, प्राइमरी साइड को हमने क्या किया है, बीच में से ले लिया है और छोटी प्राइमरी साइड दिखा दी है और सेकेंडरी साइड बड़ी दिखा दी है, उसे लोड कनेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एनालॉग एमीटर और एनालॉग वोल्टमीटर। तो एनालॉग मतलब क्या, देखो जहाँ पे हमें क्या दिखेगा, जैसे हमें घड़ी के कांटों से हमें समझना पड़ता है कि अभी कितने बजे, डिजिटली हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली अभी 12 बजे या 1 बजे, हमें देखते ही पता नहीं चलता। पर एमिटर में भी वैसे ही होता है, हमें उसकी रेंज देखनी पड़ती है, उसके बाद उसे एनालाइज करना पड़ता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एनालॉग में क्या होता है, हमारी एक कॉइल होती है, उसके अंदर करंट हम सप्लाई कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, करंट के चेंज के कारण वहाँ पे फ्लक्स को जनरेट होता है, वहाँ पे एक टॉर्क भी एक्सपीरियंस किया जाता है। टॉर्क तो हम सबको पता है, वो टॉर्क क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, किससे, करंट से प्रोपोर्शनल होता है। क्यों करंट से प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा इनपुट क्या होता है, करंट होता है, राइट। ये एनालॉग का जो भी प्रिंसिपल होता है उस पर ये वर्क करता है। ओके, एनालॉग मीटर, जैसे कि हमारे एनालॉग के कौन से मीटर हो सकते हैं, वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, और हमारा ओम मीटर भी होता है जिसपे हम रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक शंट रेजिस्टर करके पार्ट होता है, शंट रेजिस्टर करके एक रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होता है उसके मेजरमेंट के लिए हमारा वहाँ पे शंट रेजिस्टर करके होता है। देखो यहाँ पे दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, आरएम करके, इंटरनल रेजिस्टेंस, नॉर्मल रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है शंट रेजिस्टेंस। आईएम करके नॉर्मल फुल स्केल हमारा डिफ्लेक्शन वाला करंट, ओके, नॉर्मल करंट, और आईएसएच मतलब हमारा शंट करंट। तो टोटल करंट क्या हुआ, इन दोनों करंट की एडिशन हुई, दैट इज आईएसएच प्लस आईएम हुआ। तो इसके कुछ मेन फॉर्मूलेज है, वही आपको याद रखने हैं, इस पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आईएसएच इज इक्वल्स टू आई माइनस आईएम करके एक फॉर्मूला होता है, और आर एस एच इज इक्वल्स टू आर एम डिवाइडेड बाई एम माइनस वन करके एक फॉर्मूला होता है, वेयर एम की वैल्यू क्या होती है, एम इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई आई एम होता है। तो एम क्या होता है, मल्टीप्लाइंग पावर होती है, ये हमेशा याद रखना है आपको। एम इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई आई एम विच इज इक्वल्स टू वन प्लस आर एम डिवाइडेड बाई आर एस एच। जो भी हमारी एमिटर की रेंज होती है वो अगर हम सपोज कंसिडर करते हैं कि एम टाइम्स वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे जो भी शंट रेजिस्टर रिक्वायर होता है वो कितना होता है, 1/m-1 टाइम्स होता है, ये ऐसे याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। देखो हमारे जो भी मीटर्स होते हैं उसके पर्टिकुलर रेंज होती है, जैसे कि हमारी घड़ी कहाँ से होती है, देखो 1 से लेकर 12 तक हमें उस घड़ी पे सारे पॉइंट्स दिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या हुई, रेंज हुई, 1 से लेकर 12 तक हमारे क्या हुई, घड़ी की रेंज होती है, हमारे टाइम की रेंज होती है जो हम जनरली यूज, वैसे ही हमारे मीटर्स की भी रेंज होती है, जैसे कि 0 to 5 एम्पियर तक मेजर करने वाला 1 मीटर, ऐसे मीटर्स होते हैं, इतना करंट मेजर करने वाले उसके हिसाब से मीटर्स होते हैं, उसकी एक रेंज होती है।
जैसे आपको 100 मीटर की रेस में दौड़ना है तो 0 लाइन से लेकर 100 मीटर तक, ये क्या हुई 0 to 100, ये आपकी रेंज हुई। ओके, और यहाँ पे मेन दो फॉर्मूले मैं आपको और दो दे देती हूँ, जो कि है एनालॉग एमीटर के और एनालॉग वोल्ट मीटर के। तो एनालॉग वोल्ट मीटर में कैसे होता है, RS = V / Im - Rm होता है। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला होता है एनालॉग वोल्ट मीटर में, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही हमारा फोर्थ यूनिट कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें हम थर्ड यूनिट दैट इज नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैंने जितने पॉइंट्स बताए वैसे ही आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नए कंसेप्ट है। आपको भी देख के पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ नए पॉइंट्स है, वो आपके लिए अभी समझना काफ़ी मुश्किल है। जो भी ये सब कंसेप्ट था, ये सब क्या क्या होता है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझा दिया है। आपको इस टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।